बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज के इस मंच पर। सबसे पहले आपके पास आते हुए अनिल जी, क्या लगता है आपको, पीएम मोदी का लहर बरकरार है जो इस तरीके से रुझान अभी सामने आए हैं? कांग्रेस ने और दूसरे जो तमाम पटेल ग्रुप के लोग थे, उन्होंने नारा दिया था कि विकास पगला गया है। आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी जीत रही है, सीटें पा रही है हिमाचल में, गुजरात में, उससे ऐसा लग रहा है कि नीति अब मस्जिद पगला गई है। सारा नतीजा जो है वो बीजेपी की तरफ आ रहा है। हिमाचल की बधाई हो जीतती, केदार गुप्ता जी हमारे मित्र हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, उनको बधाई। जो छप्पर फाड़ जीत आ रही है हिमाचल प्रदेश में, उसके लिए भी, और गुजरात में भी मुझे लग रहा है बीजेपी कम से कम 120 से 130 सीटों तक पहुंचेगी। तो ये जो चुनाव है पूरा, ये कहीं से कहीं विकास पर केंद्रित रहा। ठीक है, थोड़ी बहुत जुमलेबाजी हुई, दोनों तरफ से हुई, चुनावों में आदान प्रदान चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि चुनाव के बाद सब कड़वाहट खत्म होनी चाहिए, लेकिन यह आत्मचिंतन का विषय है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए। देखिए, सौराष्ट्र में और पश्चिमी गुजरात में जिस तरह बीजेपी बहुत पीछे हो गई है, कांग्रेस बहुत ज्यादा वहां पर पटेलों के समर्थन से जीती है, तो जिन इलाकों में बीजेपी पिछड़ी है, जहां पर सीटें गवाई है उन्होंने, जहां पर पटेलों का आत्मविश्वास खोया है, बीजेपी को इससे सबक लेने की जरूरत है। ऐसे मुद्दे जिसके चलते जनता परेशान रही, जिसके चलते उनकी सीटें कम हुई, उन पर विचार करने की जरूरत है। इसी तरह कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने हैं तो एक नया परिणाम आएगा, नए उत्साह मिलेंगे। कांग्रेस को यह सबक सीखना होगा कि उसे अपने बलबूते जीतने की आदत डालनी होगी। गुजरात में जिस तरह उन्होंने हार्दिक पटेल का साथ लिया, दूसरे पटेल आरक्षणों का साथ लिया, तो ऐसा लगा कि कांग्रेस नहीं लड़ रही थी बल्कि दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस उसका माइलेज उठा रही थी। तो राहुल गांधी की चुनौती ये है कि वो कांग्रेस को संवारे, नए सिरे से आधार दे, क्योंकि जनता अब 25 साल पहले की जनता नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, वह वोट देना जानती है, वह समझती है कि जुमलेबाजी क्या है। बीजेपी ने विकास किया, इसलिए उसको दोनों राज्यों में जीत मिल रही है। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में सबक लेना होगा कि उसकी सरकार रहने के बाद भी जनता ने उनके विकास को खारिज क्यों कर दिया, क्या वहां पे विकास पगला गया था? यह सवाल अब हिमाचल प्रदेश में उठना चाहिए। तो कांग्रेस को, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे पूरी पार्टी हो, उनके संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। राहुल गांधी को नए सिरे से पूरे पार्टी को बदलने की जरूरत है। मुद्दे हैं, नीतियां हैं, इन पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और यदि ऐसा होगा तो कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरी है और उभरती रहेगी। ये दोनों परिणाम दोनों ही दलों के लिए आत्मचिंतन का विषय जरूर है। केदार गुप्ता जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, अगर क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार बनने वाली है, तो पहले ही अग्रिम बधाई मेरी तरफ से और साधना न्यूज की तरफ से आपको। अब सवाल ये कि ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक सवाल उठाया था, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हार्दिक पटेल ने कहा कि मेरी बातों पर सिर्फ हंसी आएगी लेकिन विचार कोई नहीं करेगा। भगवान के द्वारा बनाई गई हमारे शरीर में छेड़छाड़ होती है, तो मानव के द्वारा बनाई गई ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती? एटीएम हैक हो सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं? कुल मिलाकर आपकी जीत पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि ईवीएम हैक किया गया जिसकी वजह से आप जीत रहे हैं। केदार जी माफ कीजिएगा, मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रही हूँ। पहले दर्शकों को एक बार अपडेट दे देती हूँ, दर्शकों को बता देती हूँ कि बीजेपी की एक तरीके से कह सकते हैं बंपर जीत तो हो रही है गुजरात में और हिमाचल में। जो अपडेट अभी तक सामने आया है उसके अनुसार बीजेपी जीत चुकी है और सत्ताधारी पार्टी एक बार फिर से बीजेपी होगी गुजरात में। केदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब तो कह सकते हैं कि मेरा बधाई जो है जस्टिफाइड है। देखिए, सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जनता को, गुजरात की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, साथ में धन्यवाद किए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह पर, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, और दूसरी बार पूरे प्रदेश, पूरे देश की जनता को बधाई।
कि उन्होंने जो प्रधानमंत्री चुना है उन पर हर प्रदेश के की जनता विश्वास कर रही है। निश्चित रूप से आज भारत देश के लिए, भारत देश के विकास के लिए, भारत देश की आर्थिक नीतियों के लिए, भारत देश की संस्कृति के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। पूरी दुनिया, पूरे देश के लोग कहते थे कि अगर गुजरात नहीं संभला तो मोदी जी देश कैसे संभालेंगे। ये सब लोगों को एक बड़ा जवाब गुजरात की जनता ने दिया है। बात रही ईवीएम की, तो आज ही दो घंटा पहले जब कांग्रेस लगभग बराबर में गुजरात में चल रही थी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हमने ये नहीं कहा कि ईवीएम हैक होगा, हम कह रहे थे कि उसे डीटीएच से जोड़ा जाना चाहिए। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आज ही आप उनके वक्तव्य को देखें, दो घंटे पहले का क्या और दो घंटे बाद का क्या। तो कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगाकर मायावी ढंग से चुनाव जीतना चाहती है और अपने कार्यों को, सिद्धांतों को, नियम को लगातार अपने स्वार्थ के लिए बदलती है। जैसे अभी गुजरात में राहुल गांधी लगातार मंदिरों में गए, तिलक लगाया, जनेऊ पहने, कहे मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। तो ये देश खाली धर्म से नहीं चलता, ये देश धर्म के साथ साथ सभी वर्गों को सामान्य रूप से विकास की अवधारणा मिलना, देश का आगे बढ़ना और एक राजनीतिक पार्टी का सिद्धांत होना कि हम इन सिद्धांतों पर काम करेंगे चाहे हमें सत्ता मिले ना मिले। ये तो अपने सिद्धांतों को ही बदलते रहते हैं, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये पहले मुस्लिमों को तुष्टीकरण करते थे, अब हिंदुओं की तरफ डाइवर्ट होने लगे। तो ना ये हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, बल्कि मूल रूप यह होना चाहिए कि हर राजनेता को भारत माता के वैभव के बारे में सोचना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए और देश कैसे आगे बढ़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बारंबार आज 60 70 80 वर्षों से कांग्रेस एक ही बात कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, पर जब अभी 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और जो मेरी मुस्लिम बहनें हैं जो तनाव में और भयग्रस्त होकर जीवन जीती थी कि कब तलाक हो जाएगा पता नहीं, उसे कांग्रेस ने तो नहीं उठाया ना। ये हिंदू संस्कृति की बात तो नहीं थी ना, पर हिंदुस्तान में रहने वाली मेरी मुस्लिम बहनें जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रही थी, क्या उसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाई? क्या वो सर उठाकर और बहुत आजादी के साथ अपने परिवार का जीवन निर्वहन कर रही है? ये खुशी की बात नहीं है? तो कांग्रेस लगातार हर मुहिम में फेल हो रही है और उन्होंने जो कहा वो सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ अपने सिद्धांतों को लेकर, अपने नियमों को लेकर राष्ट्र की सेवा की और लगातार चुनाव में जीत हासिल की, जनता के पास गए और एक मैं कहूंगा बड़ी आर्थिक सुधार नीति, चाहे हम उसे नोटबंदी कहें चाहे जीएसटी कहें, उसके बावजूद जब लोग कह रहे थे कि जनता परेशान हो गई, इतने लोग नहीं रहे और तमाम बातें चल रही थी, पर देश ने स्वीकार किया कि आप देश को कड़े से कड़े आर्थिक नियमों की जरूरत है ताकि देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर मिल सके और सरकार इस क्षेत्र में और पैसा विनिवेश कर सके। मैं पुनः अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और आपको सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी ने राष्ट्र के विकास की चिंता की, राष्ट्र की संस्कृति की चिंता की और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। अनिल द्विवेदी जी, अब आपके पास आऊंगी। चलिए, जीत तो हो गई और खुशी भी है और जाहिर सी बात है बीजेपी कार्यालय में ही नहीं सही जितने भी बीजेपी समर्थक हैं सब में खुशी है। सवाल मेरा ये, इस जीत को कैसे देखा जाए? जीत का कह सकते हैं विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन क्या इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कमजोर विपक्ष या ध्रुवीकरण, इस मुद्दे को क्या हम नजरअंदाज कर सकते हैं? अनिल द्विवेदी जी, देखिए विपक्ष कभी भी कमजोर नहीं होता है। चुनाव आप देखिए 4 साढ़े 4 साल तक बिल्कुल विपक्ष लगे का कहीं नहीं है, लेकिन जब आप चुनाव चलता रहता है तो आप देखिए मामला पूरा 50-50 पे आ जाता है। मेन है कि आपकी नीतियां क्या है, आपके मुद्दे क्या है। बीजेपी ने कम से कम इस तरह से जो नीतियां लागू की, मुद्दे उठाए, जिस तरह से डेवलपमेंट किया जी। गुजरात का उदाहरण हम देखते हैं, ये लगातार 5वीं बार होगा जब बीजेपी गुजरात में राज्य करेगी, कहीं ना कहीं विकास हुआ है। आप देखिए नर्मदा सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का मामला ही आप देख लीजिए,
कितना मुद्दा था, मेधा पाटकर से लेकर के तमाम तरीके। अभी आपके जो चैनल हैं राजीव गांधी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, राजीव बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि गुजरात में जो सामाजिक आंदोलन हुए उन्होंने भी इन चुनाव परिणामों को प्रभावित किया है। मैं राजीव से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरदार सरोवर बांध का जो मामला था वह कहीं न कहीं इससे जुड़ा मामला था। एक तरफ लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी विकास करने के लिए, किसानों के हित के लिए बांध की ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस उसको कहीं न कहीं किसानों का अपमान बताया था। इसी तरह और भी बहुत से इश्यू हुए, गुजरात अहमदाबाद साबरमती नदी को ठीक करने का जो प्रयास हुआ, जिस तरह से गुजरात में रोल मॉडल बने, कई 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 विकास योजनाओं में गुजरात अव्वल रहा, तो विकास ही सब कुछ रहा। विकास की जो बयान बीजेपी सरकार ने गुजरात में बढ़ाई यह उसी का नतीजा है। और फिर आप कुछ भी चुनाव प्रचार करिए, आप कुछ भी दुष्प्रचार करिए, कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विकास पगला गया है, अजीब नारा देते हैं आप, विकास पगला गया है। अरे विकास कार्य हो रहे हैं, कांग्रेस ने 50 साल तक विकास किया इस देश में, तब तो किसी ने नहीं कहा कि विकास पगला गया है। जनता के विकास के लिए हो रहा है, उसके रोजी रोटी के लिए, उसके अच्छी योजनाओं के लिए अगर कोई सरकार प्रयास कर रही है तो इस तरह के नारे नहीं चलते हैं। जहां तक हार्दिक पटेल का सवाल था, जो दूसरे राजनीतिक दलों को साथ लेने की बात थी कांग्रेस की, अब कांग्रेस को यह देखना होगा उसे अपने दूसरे चुनाव जीतने की आदत डालनी होगी। ईवीएम आप बहाना बना लेते कि ईवीएम मशीनों के चलते बीजेपी जीत रही है, पंजाब में यदि कांग्रेस जीती तो कैसे जीती, राजस्थान में कांग्रेस आई थी तो कैसे आई थी, तब भी कहते कि ईवीएम के चलते कांग्रेस जीती। यह जनता के मैंडेट का अपमान है, इस तरह से मैंडेट का अपमान नहीं करना चाहिए। आपकी हार हुई आप उसको स्वीकारिए, आपका संगठन नेस्तनाबूद है। कांग्रेस को राहुल गांधी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, मेरी सलाह है बल्कि पूरा देश चाहता है कि कांग्रेस इस मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरे, अपने संगठनों को मजबूत करे। उनका सेवा दल एक संगठन है, नेताओं की खातिरदारी में ही लगा रहता है, उसको चाहिए कि जनता के बीच जाकर सेवा कार्य करे। बीजेपी की जीत के पीछे जितना योगदान उनके विकास कार्यों का है, जितना योगदान उनके सरकारी सरकार की योजनाओं का है, उतना ही योगदान संगठन का है। आरएसएस ने जो मेहनत की होगी, दूसरे संगठनों ने जिस तरह से आधार बनाया होगा, हिंदुत्व की राजनीति से लेकर के विकास की योजनाओं तक, ये सारी चीजें बीजेपी की जीत में मददगार साबित हुई है। सवाल उठाया जाना चाहिए कि कांग्रेस के पास इस तरह का संगठन आधार है, यदि होगा तो निश्चित तौर पर 440 सीटों का जो उसका अपने एक समय था, एक कार्यकाल था, उस पर वो वापस लौटेंगे। कांग्रेस अभी खत्म नहीं हुई है, विपक्ष के तौर पर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन गुजरात में किया है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जो राजनीतिक जुमलेबाजी हुई, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए, कहीं न कहीं राहुल गांधी के सहानुभूति मिली है, और इसीलिए गुजरात में कहीं न कहीं कांग्रेस आज इतनी सीटों पर जीत रही है। तो बीजेपी को भी आत्मचिंतन करना होगा कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप केंद्र सरकार में हैं, राज्य सरकार में हैं, लेकिन जब आप बोल वचन कहते हैं, जब आप वचनों की बात करते हैं, आपको इस पर अंकुश लगाना होगा। बहुत ऐसे बयान बीजेपी की तरफ से आए जो जनता को ठीक नहीं लगे, आज तो अवलोकन करने की बात है। आप बहुत बड़े हैं, राहुल गांधी तो आपकी बहुत उम्र में आधे हैं, तो थोड़ा सा इस बात की चिंता करनी होगी ताकि आपको देश का विश्वास आप पर बना रहे। हिमाचल प्रदेश की भी जीत बीजेपी को बहुत अच्छी मिली है, कांग्रेस को वहां पर आपको चिंतन करना होगा कि वहां पर क्या हार हुई, क्या योजनाओं में आप फ्लॉप हुए, क्यों वहां पर आप नहीं जीत सके, इन सारी चिंताओं पर चिंतन मनन करने की जरूरत है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, पहले उनका भी परिचय दर्शकों को करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आनंद मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आनंद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज के इस मंच पर। आपके पास अब आते हुए, आप बहुत देरी से शामिल हुए, खैर जब भी आए, कैसे देखेंगे आप इस जो जीत हो रही है, एक तरीके से हो चुकी है बीजेपी की, उसके लिए कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो भी कहा मैंने उसको सुना जी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के संगठन को नकारा है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। कांग्रेस अपने सिद्धांतों के अनुरूप चल रही है और चलेगी जी। संगठन उनका इतना मजबूत है कि गुजरात के चुनाव में सारी ताकत झोंकने पूरे भारत सरकार के एक आदमी के खिलाफ लगी थी, उसके बाद भी हमारे जितनी सीटें आ रही है सामने सबको दिख रहा है। ईवीएम की जो बात थी, अगर आप स्वयं मान रहे हो भाजपा के नेता मानते हैं सीट घट रही है, सीट घटेगी लेकिन सरकार आएगी, मतलब जनता का कहीं ना कहीं आक्रोश था, आप भी मानते। अब जनता का आक्रोश था उसके बाद आप कैसे जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईवीएम की बात में आप बात होगी,
अब जनता इसके सामने नहीं रहेगी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि पंजाब में कैसे जीते, वहाँ कैसे जीते, ठीक है, ये सब की सवाल के जवाब पूछे जाएंगे, आनंद मिश्रा जी पड़ेगा। ठीक है, माफ कीजिएगा मैं बीच में टोक रही हूँ। कुल मिलाकर मैं वजह समझना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है गुजरात और हिमाचल दोनों में बंपर जीत के लिए बीजेपी के क्या वजह है? गुजरात में हम 22 साल से पीछे थे, नहीं थे सत्ता में, और हिमाचल में हम सत्ता में थे। एंटी कंपेसिटी कोई फैक्टर होता है, और फिलहाल हम केंद्र में भी नहीं है, ना हम कोई ईवीएम का हमारे ऊपर कोई ब्लेम है। आम जनता के भावनाओं का और उसके आदेश का आदर करते हैं, लेकिन गुजरात की जनता ने बता दिया कि कांग्रेस अभी भी कांग्रेस ही है। आप पूरी सरकार एक तरफ और राहुल जी एक तरफ, और राहुल जी ने बता दिया कि कितना जनाधार आदेश है उनका। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। भाजपा को और भाजपा को साथ देने वाले पत्रकारों को मानना पड़ेगा। आनंद मिश्रा जी, कटाक्ष करना और तंज कसने से बजाय आप मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दे देते तो शायद बेहतर होता। मेरा सवाल ये था कि गुजरात चुनाव में क्या लगता है, आप सीधे सीधे क्या वजह बताना चाहते हैं कि इस वजह से बीजेपी जीत गई, क्या वजह हो सकती है? वजह आप तो सामने देख रहे हैं, ईवीएम की बात हो रही है, चुनाव से बात नहीं लगातार। ठीक है, अगर जनादेश होता तो आप स्वयं भी नहीं बोलते कि हमारी सीटें घटेंगी, आप कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम 35, 135, 140 सीट पाएंगे, और हमने काम अच्छा किया है। ये आपने काम किया ही नहीं। रही बात विकास के परवाने की, अगर विकास होता तो विकास का मुद्दा होता, ठीक है, उसमें कुल मिलाकर मुद्दे नहीं आते। कुल मिलाकर कुछ नहीं किया राहुल जी, ये है इसी पे चुनाव अटका रहा। ठीक है, कुल मिला एक भी उपलब्धि को बताने की स्थिति में भाजपा सरकार नहीं थी। ठीक है, उपलब्धि बिना बताए दोनों राज्य में बीजेपी सरकार बना रही है। कुल मिलाकर आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह जिस तरीके से आपके ही प्रवक्ता का बयान आया था कि हमने ये नहीं कहा था, जिस तरीके से केदार जी आपके आने से पहले जिक्र कर रहे थे कि ईवीएम पर खुद ही जो कांग्रेस के नेता हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, जब आपकी सीट आती है तो ईवीएम सही है, जब बीजेपी विरोध अगर था, जन विरोध आप स्वयं मान रहे हैं कि जनता ने विरोध किया, जनता के मन में विरोध था, उसके बाद आप जीत रहे हैं, एक प्रश्न चिन्ह है, इसका जवाब इनको देना होगा। आप जनता ही से पूछा कि आदमी तो कर, ठीक है, इसका जवाब मैं केदार जी से ले लेती हूँ। केदार जी, सुना आपने आनंद मिश्रा जी, और हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार थी जी, बिल्कुल ये सवाल मेरे मन में था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं पूछा, वन टू वन न हो जाए डिबेट। आनंद मिश्रा जी, सवाल सुना आपने अनिल जी का, और वहाँ भी वहाँ आपको एंटी इनकम्बेंसी दी थी, गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी नहीं दी थी। पावरफुल सरकार किसकी है जी? सेंट्रल की सरकार, और उसका जनमानस को भटकाने का जो भ्रम फैलाने का तरीका, कुल बारे में पत्रकार महोदय कुछ बोले तो अच्छा होगा। कुल मिलाकर आपके जवाब में विरोधाभास नजर आ रहा है। खैर, मैं केदार जी के पास चलूंगी। केदार जी, ईवीएम पर ठीक रहा सुना आपने, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि जब पंजाब में चुनाव हुए तो केंद्र में किसकी सरकार थी, एक लाइन में वो जवाब दे दें। ठीक है, बताइए मिस्टर, पंजाब में भी इन्हीं की सरकार, एक लाइन में कह रहा था मैं, पंजाब में सरकार थी तो जब आपकी सरकार बनी तो केंद्र में किसकी सरकार थी, पहली बात। इससे ईवीएम का मामला हो गया, मिश्रा जी मेरे आधी लाइन में पूछा था, उससे मामला क्लियर हो गया। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, जनता ओपन स्टेट में आप छल कर रहे हैं जनता के सामने, जनता के आदेश का उल्लंघन, आप थोड़ा शांत रहे, मेरा समय आनंद मिश्रा जी, आनंद मिश्रा जी जी, केदार जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। आनंद जी, आनंद जी, ईवीएम की बात मैंने बता दी कि इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, पंजाब में कांग्रेस जीती थी, और हमने नहीं कहा था कि ईवीएम खराब है इसलिए वो जीत गए, हम उसको स्वीकार किए, वहां उनका मुख्यमंत्री बना, और कांग्रेस आज राज कर रही है, कोई केंद्र का डिस्टर्बेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में किसी प्रदेश को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती, बल्कि आनंद जी थोड़ा आप शांत रहे, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, जब आपका समय आएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप ये बात समझ लें, और फिर आप ये मत कहिएगा कि डिस्टर्ब करते हैं। आनंद मिश्रा जी, धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊंगी। केदार जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, केदार जी संक्षेप में।
बहुत संक्षेप में, और जो बार बार ये कहते हैं कि विरोधाभास था और उसके बाद आप जीत कैसे गए, तो ये लोकतंत्र की प्रक्रिया का, परंपरा का अपमान कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है कि जब दूध से घी बनाना होता है ना, तो दूध के बाद दही बनता है, दही के बाद मक्खन बनता है, और मक्खन से फिर घी बनता है। और कांग्रेसी क्या करते हैं कि दूध की तबेली में ही मथनी से मथने लगते हैं, तो घी बनेगा कैसे, और बाद में दोष देते हैं मथनी को, ईवीएम मशीन को। अरे मथनी तो सही है, पर तुमको प्रक्रिया को मालूम होना चाहिए कि राजनीति में जीत कैसे हासिल करते हैं। अरे दूध को मथने से कभी भी घी नहीं बनेगा, ये तो सीधा ईवीएम को दोष देते हैं। अरे घर में जरा मथाने को जानो क्या होता है। हाँ, सिखाना ही पड़ेगा। 60 साल राज करने के बाद भी उखाड़ के फेंक दिए, अरे हवा में भी नहीं बिखरे ये कहा। अब आपकी भाषा में मैं आपको जवाब दूंगा, केदार जी, भाषा में ही जवाब दूंगा। अब आप मेरे भी शब्दों को सुनने के लिए तैयार रहें, आपकी भाषा में जवाब दूंगा। भाषा मेरी बहुत अच्छी है, भाषा कोई गलत नहीं है, आप सुन नहीं पा रहे हैं। आप दे रहा हूँ जवाब, आनंद मिश्रा जी को बोलने दीजिए। केदार जी, अब आनंद मिश्रा जी को बोलने दीजिए। मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि जब वो बोलेंगे तो आप बाद में आप अपनी बारी में जवाब देंगे। आनंद मिश्रा जी बोलिए। इन्होंने कहा कि पंजाब में सरकार कांग्रेस की बनी जी, केंद्र सरकार ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जी, बिहार की जनता ने तो उनको नहीं चुना था, वहाँ डिस्टर्बेंस कांग्रेस ने किया क्या? वहाँ क्या खेल हुआ जनता ने नहीं देखा? ठीक है, सवाल मेरे तरफ से, क्या खेल हुआ जनता ने नहीं देखा? ठीक है, बिहार का आपने उदाहरण दिया, तो मैं जनता की बात कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, आप चुनी हुई सरकारों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो चुनाव का खेल है छोटा मोटा। ठीक है, और सत्ता आपके पास है, और सत्ता का दुरुपयोग आप बहुत जानते हैं हमारे से अच्छा। ठीक है आनंद मिश्रा जी, क्या मैं आपसे सवाल करूँ? आप बिहार का उदाहरण आपने दिया, मैं भी उदाहरण का बिहार का ही दूंगी। बिहार के उदाहरण में क्या उस समय ईवीएम हैक जैसी बात नहीं आई थी? ईवीएम हैक वाली बात आई थी या नहीं आई थी? चुनी हुई सरकार को आपने जहाँ पर आप जीते, जहाँ पर आप जीते वहाँ पर जनता सरकारों को अगर हैक करेंगे तो जनता आपको हैक करेगी। कर रही है, आपको जितने जिसको हैक करना उसको हैक कर ही दिए, और हैक होने के बाद और क्या परिणाम आते हैं वो भोगना पड़ेगा आपको। अनिल जी, अब आपके पास आते हुए चर्चा में अनिल जी आपको भी शामिल करूंगी। आपने सुना आनंद मिश्रा जी को, कैसे देखें इनके इस बयान को जो विरोधाभास नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से? कह सकते हैं कि विरोधाभास नहीं है, सच बात है ये। कैसे अनिल जी आपने सुना, एक तरफ वो बिहार का उदाहरण दे रहे हैं जहाँ पर पंजाब का उदाहरण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं हिमाचल में और गुजरात में, कह रहे हैं ईवीएम है। कुल मिलाकर अपनी ही बातों में कांग्रेस का विरोधाभास नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं आप अनिल जी? संक्षेप में जवाब, समय की कमी है। देखिए, जनता का परिणाम है, इसे स्वीकार करना चाहिए, आत्मावलोकन होना चाहिए। अगर बीजेपी भी है, कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी सीटें खोई हैं, वो चिंतन करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। ऐसे ही कांग्रेस को भी दिलेर के साथ स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हार हुई है, हम उसकी चिंता करेंगे। अगर ईवीएम के चलते अगर बीजेपी जीत रही है तो हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, आप वहां पर क्यों नहीं जीते भाई? आप भी ईवीएम हैक कर लेते, आप भी जीत जाते सरकार। तो हिमाचल प्रदेश का मामला हो चाहे गुजरात का मामला हो, और कांग्रेस को देखिए संगठन मजबूत करने की जरूरत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये 26वीं हार होगी, 26वें विधानसभा के राज्यों की हार होगी राहुल गांधी के नेतृत्व में। आपने राहुल अध्यक्ष बनाया है, जनता ने राहुल गांधी ऐसे कांग्रेस जनता दिखा रही है। आप यदि अच्छा नेतृत्व नहीं देंगे तो जनता आपको सिरे से खारिज करती चली जाएगी। जहाँ राज्यों में आप अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं, आप जीत रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे वो पंजाब हो, आपने अच्छे चेहरे उतारे तो जनता ने आपको एक्सेप्ट किया, आपने अच्छी विकास योजनाएं चलाई तो जनता आपको जिता ले रही है। आप राजस्थान में भी अशोक गहलोत, आपने अच्छा चेहरा दिया, आप जीते।
केंद्र में जहां तक बात है, आपको प्रधानमंत्री पद के लिए अच्छा चेहरा पेश करना होगा। ऐसा चेहरा युवाओं के द्वारा खारिज किए जा रहे हैं, कांग्रेस को इस पर चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है आनंद जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी लेकिन जवाब ले लेते हैं आनंद जी से। आनंद जी, बहुत संक्षेप में मेरे दो सवाल का जवाब दीजिएगा। पहला तो ये कि दो दिन पहले ही अध्यक्ष बने हैं राहुल गांधी, बहुत मुखर होकर सामने आए थे गुजरात विधानसभा चुनाव में, डायरेक्ट टक्कर ले रहे थे पीएम मोदी से, सवाल पर सवाल उठाए जा रहे थे ट्वीट के माध्यम से, सीधे सीधे आरोपों में घेर रहे थे पीएम मोदी को। इस रिजल्ट के बाद राहुल गांधी का क्या, राहुल गांधी इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे क्या? पूरा का पूरा कांग्रेस खेमा इस रिजल्ट को, राहुल गांधी को सुपुर्द करेगा? और साथ में सवाल ये, अब प्रदेश पे लौटते हैं, आने वाले समय में अगले ही साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है अभी से ईवीएम की तैयारी कर रहे हैं या आत्ममंथन करेगी कांग्रेस? आनंद मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे और जवाब संक्षेप में, बीजेपी पर ठीकरा मत फोड़िएगा, कांग्रेस की बात बताएं। पूरी भाजपा सरकार अकेले राहुल जी के खिलाफ से लगी हुई थी गुजरात में, प्रत्येक गांव में इनका मंत्री घूम रहा था केंद्र का, प्रधानमंत्री खुद लगातार सारे विदेश दौरे छोड़ के गुजरात में ध्यान दे रहे थे, तो राहुल जी का वजन तो भाजपा अच्छे से समझ चुकी है और आज ही तो कल मीडिया को भी ये बात समझ में आई। रही बात कांग्रेस के संगठन की, तो कांग्रेस का संगठन आज भी सर्वश्रेष्ठ है और समय आएगा तो उसका जवाब बिल्कुल दिया जाए कि संगठन हमारा कितना मजबूत है और किस तरह से डाइवर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर छल के साथ आप सत्ता पाएंगे तो जनता आपको कहीं ना कहीं इसका परिणाम देगी। ठीक है, एक लाइन में केदार जी, मेरे पास समय नहीं है, बस एक लाइन में जवाब। ये कांग्रेस के संगठन के लोग कौन से समय का इंतजार कर रहे हैं मुझे पता नहीं। जैसे अनिल जी ने कहा ये राहुल के नेतृत्व में 26वीं हार है, तो आनंद जी ये गलत है, संगठन के काम का है मुझे नहीं पता। और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने कहा कि केंद्र के भी मंत्री गांव गांव घूम रहे थे, तो आप मंत्री पद की बहुत ज्यादा गरिमा नहीं होती, हम सब सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो जनता का सेवक है और जनता के बीच में घूमता है, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, ये इंतजार करते हैं, इंतजार करते रहे इसका संगठन। ठीक है अनिल जी, महासचिव ने कांग्रेस का केदार जी, मुख्यमंत्री ने कहा था कि गाय को काटने का कोई काम नहीं है, ये तानाशाही वाली बात नहीं है, ये जन सेवक की बात नहीं होती है। ये आनंद जी यहाँ पर तानाशाही क्या शब्द सही है? एक लाइन में आपकी तरफ से फाइनल कमेंट। तानाशाही सही है आपकी तरफ से ये शब्द आनंद जी? हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब गाय का मामला आया तो मुख्यमंत्री से कहा जो गाय को काटेगा कौन टांग देगी। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे जी कहते हैं कि हम हमारे खिलाफ जो जाएगा हम उसको जो सजा देंगे और सबको बयान देती है, ये तानाशाही वाली बात जन सेवक की नहीं होती, ये मैंने कहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, वक्त इतनी की अनुमति दे रहा था हमें और चाहेंगे कि और भी समय आने पर आप लोगों के साथ चर्चा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। जी हाँ, गुजरात और हिमाचल दोनों में बीजेपी की बंपर जीत हुई है और जो देश में एक तरीके से माहौल बन गया था इस चुनाव के रिजल्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और आने वाले समय में जो राजनीति है, देश की राजनीति, उसमें ये रिजल्ट बहुत असर डालने वाला था, उसका रिजल्ट आ चुका है और बीजेपी का परचम लहरा चुका है। अब देखने वाली बात यह होती है कि कांग्रेस इसको किस तरीके से लेती है। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए सावधानी, नमस्कार।